ने 3 मई को यानी कि कल एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू किया और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। दरअसल भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन नंबर 07315 के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन का शुरुआत हो चुका है। यह एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन थी जिसका संचालन बिहार के मुजफ्फरपुर से हुबली रेलवे स्टेशन के बीच शुरू किया गया। हाजीपुर पाटलिपुत्र पटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते यह ट्रेन चली, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे अब इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 07316 के साथ मुजफ्फरपुर से हुबली के लिए इस समर स्पेशल ट्रेन का संचालन कल से चालू हो चुका है। यह ट्रेन 31 मई तक चलाई जाएगी। सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से दोपहर 1 बजे खुलेगी, जो कि 2:50 पर पाटलिपुत्र रुकते हुए शनिवार को यह ट्रेन 6:55 पर पुणे जंक्शन को आएगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन रविवार को 7 बजे सुबह में हुबली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। खास बात यह होगी कि यह ट्रेन दूसरे दिशा में भी चलाई जाएगी। हुबली रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन 07315 के साथ दूसरे दिशा में चलेगी 28 मई तक। सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को यह ट्रेन शाम 5:20 पर हुबली रेलवे स्टेशन से खुलेगी, जो कि पुणे रेलवे स्टेशन 5:15 पर सुबह में दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को। इसके अलावा यह ट्रेन पाटलिपुत्र रुकते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन 1:40 पर तीसरे दिन पहुंचेगी। दोनों ही दिशाओं में रेलवे इस ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है और ऐसे में इस ट्रेन के सुविधा के डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस ट्रेन में कुल मिलाकर जनरल क्लास के 4 कोच लगे रहेंगे और स्लीपर के 11 कोच सहित एसी थर्ड टायर के 2 कोच और एसी सेकंड टायर के 1 कोच लगाए गए हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से इस ट्रेन का संचालन मुजफ्फरपुर से शुरू होगा, जो कि वाया हाजीपुर पाटलिपुत्र दानापुर आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज छिवकी मानिकपुर सतना जंक्शन कटनी जबलपुर नरसिंहपुर इटारसी खंडवा भुसावल मनमाड़ कोपरगांव अहमदनगर पुणे जंक्शन सतारा के रास्ते हुबली के लिए चलेगी। 2400 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन तय करेगी, जो कि एक सुपरफास्ट ट्रेन होगी। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।